जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जय बोले जी की सर जी। हाँ जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तो आपके साथ 2 मिनट बात करना चाहते हैं सर जी। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ सर जी, हम आपको पूरा आपका जो यूट्यूब चैनल है ना, पूरा हम फॉलो करते हैं आपको। हाँ जी, हाँ जी। और आपको, हमको बहुत अच्छा लगता है आपका ये सेवा देख के। कहाँ कहाँ से आपको फोन करता है, आप सभी का फोन अटेंड करते हैं। ये तो बस भोले बाबा जी का आशीर्वाद है। मैं अकेला हूँ, 3-4 लोग हैं, मैं तो सिर्फ फोन ही अटेंड करता हूँ। वीडियो बनाने वाले बेचारे अलग है, सब लोग मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छा लगा सर जी। सर जी, एक तो आपको, आपके हेल्प के लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी बताइए। हाँ सर जी, एक इन्फॉर्मेशन यही है कि सभी लोग तो सभी ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं कि यात्रा होने वाला है, कि अभी तक झूला हुआ है। आप भी तो साइन बोर्ड को फॉलो करते हैं ना? हाँ जी, साइन बोर्ड को फॉलो करते हैं। हाँ, फॉलो करते हैं। अभी वो लोगों ने 15 दिन तक टाइम मांगा, टाइम मांगा है, मीटिंग होगा उसके बाद ही होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ, उसके वो जो लोग आपको फॉलो भी नहीं कर रहे हैं ना, वो क्या सोच रहे हैं बोलिए तो, ये 15 दिन तो बहुत दिन हो जाएगा। भैया को फोन करके पूछते हैं, भैया कहाँ से उत्तर देगा, कहाँ से बोलेगा भैया। भैया भी तो किसी के ऊपर डिपेंड किया हुआ। भैया साइन बोर्ड में बैठा होता तो भैया बता देता तुमने कि भैया क्या होगा। तो बोलिए ये कि कोई लोगों को क्यों दिमाग में नहीं आ रहा है, तो हम एक चीज होता है तो भैया, अभी जो सिचुएशन है ना भैया, हम आपको बोल रहे हैं, आप इसको सोच के आप वीडियो भी डाल सकते हैं, किसी लोगों को पता चल जाएगा कि भैया अभी जो सिचुएशन है, अभी वहाँ का, वहाँ पे भी लॉकडाउन चल रहा है। हाँ, लेकिन अभी जो मेरी बात हुई ना आज भी भंडारे वालों से, तो पॉजिटिव न्यूज है और देखो 2-3 दिन में फाइनल हो जाएगा, उनको बोल दिया अभी ना। मेरे पास अभी कॉल आया था भंडारे वालों को, उनको बुलाया, मीटिंग होनी शुरू हो गई है। क्योंकि लॉकडाउन अभी उम्मीद की जा रही है, लॉकडाउन खुलने के बाद केस नहीं बढ़ेंगे। यार लास्ट टाइम भी लॉकडाउन हुआ था ना, और उसके बाद केस नहीं बढ़े थे। तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन के बाद केस नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, तो केस नहीं बढ़ेंगे सर जी। ये बात तो एकदम सही है सर जी, कि आप तो बहुत बार जा चुके हैं वहाँ पे, आपका तो बहुत क्या है, आपका क्या है वो आप जानते हैं बहुत कुछ, ठीक है। हाँ, वहाँ का सिचुएशन के बारे में तो भैया जी, एक तो बात आपको हम बोल रहे हैं, हम भी बहुत बड़ा बाबा का भक्त है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ भैया जी, हम कलकत्ता से बात कर रहे हैं। कलकत्ता में आपको मालूम होगा भूतनाथ आपको मालूम होगा, बाबा का जगह है। हाँ जी, हाँ, तो वहाँ पे हम लोग भी जाते हैं। अच्छा भैया जी, हाँ भैया जी, हम ये बोल रहे हैं, तो आप तो कश्मीर में गए हुए हैं आपका अमरनाथ यात्रा के लिए। हाँ जी, तो भैया जी आप ये सिर्फ सोचिए कि बाबा का भक्त कहाँ कहाँ से वहाँ पर आता है। बिल्कुल सही बात है, कहाँ कहाँ से। हम कलकत्ता से बात कर रहे हैं, आप दिल्ली से बात कर रहे हैं, कोई यूपी से आ रहे हैं, कोई बिहार से आ रहे हैं, कोई राजस्थान से आ रहे हैं। बिल्कुल तो सर जी, ये कोविड करने के बाद जब ये स्टेट का आदमी लोग, बाबा का भक्त सब पागल लोग जब जेके में घुसेगा, तो सर कोविड नहीं हो सकता है, नहीं चांस कम होंगे। तो ये पता क्या है ना, अभी जो लॉकडाउन लगा ना, उस लॉकडाउन लगने से जो कोविड का चेन था वो ब्रेक हो गया है। जो जहाँ था वो सब लोग सही हो गए हैं, तो जो फैलने वाला कंडीशन था वो ब्रेक हो गया है। तो मुझे यही उम्मीद है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, उसके जैसे ही मान लो आप 10-15 दिन के बाद ही यात्रा शुरू होनी है, तो इतने में केस जो है फैलने वाले सीन नहीं होगा आपकी बार। अच्छा, ये तो बाबा का कृपा है, बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, हाँ, मगर आपको तो मालूम है कहाँ कहाँ से भक्त लोग सब आते हैं, कहाँ कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी बाबा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर जी, और एक तो इन्फॉर्मेशन हमको दे दीजिए ना कि वो कोविड को लेके क्या 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 प्रोटोकॉल अभी निकला है, कि कोई टेस्ट लगेगा क्या? नहीं, अभी कोई नहीं है, वही शाइन बोर्ड मीटिंग कर रहा है। क्योंकि शाइन बोर्ड भी ऐसे नहीं कह सकता कि टेस्ट होगा, पर चला कोविड के केस ही नहीं, शाइन बोर्ड ने कहा टेस्ट होगा, सब लोग टेस्ट अपने कराने, तो शाइन बोर्ड अपना डिसीजन अभी दे ही देगा 10 दिन के अंदर। क्योंकि 10 दिन के अंदर फिल्म क्लियर हो जाएगी कि आने वाले टाइम में केसेस कैसे होंगे कोविड के। जहां तक मेरा ख्याल है, जो मुझे लगता है ना, वो ये होगा, आपको एक टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ेगी नेगेटिव की। जो मुझे लगता है ना, जो भी बंदा यात्रा में आएगा उसके पास शायद रिपोर्ट होनी चाहिए, ऐसा कोई लॉ आएगा, क्योंकि रिपोर्ट तो जरूरी है। अगर बंदा नेगेटिव है जब ही यात्रा पे आना चाहिए, है ना। अच्छा, तो उसमें कोई भी स्टेट ये नहीं चाहेगी कि मेरे स्टेट में बहुत सारे लोग बाहर से आए और कोई पॉजिटिव निकल जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो नेगेटिव रिपोर्ट हाथ में होगी,
तो शायद यात्रा के लिए ये कंडीशन रखी हुई है। तो ये भी पॉजिटिव होगा कि हाथ में जब आपका नेगेटिव रिपोर्ट होगा ना। हाँ, नेगेटिव रिपोर्ट होगा तो आप सही तो हम सभी ये बोल रहे हैं, हम जितना बार वहाँ पे गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ऑन स्पॉट हम जितना बार गए हैं हम ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन किए हैं वहाँ पे रहते हुए पूरा नाइट वहाँ पे रास्ता में गुजरते हुए हम रजिस्ट्रेशन किए हैं। डेट निकाला है बाबा का दर्शन, ठीक है। तो हम लोग कोई टेस्ट लेके नहीं जाएगा तो वहाँ पे भी कुछ हो सकता है, ये हमको होगा तो हम लोग चल जाएंगे ना, चौंगी कोर्ट जाएंगे। मैं आपको ना अपनी राय बता रहा हूँ जो मुझे लगा ना, बाकी तो यही है कि शाइन बोर्ड का जब तक कोई रिजल्ट नहीं आता है ना, शाइन बोर्ड की तरफ से जब तक कुछ नहीं कह सकते हैं, वहाँ पे रिपोर्ट होगा नहीं होगा क्या होगा आगे, उसके लिए कुछ कहना भी सही नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, साइन बोर्ड का अपडेशन आने दी, सब फाइनल हो जाएगा, ठीक है। आप तो भैया यूट्यूब पे आप छोड़ दोगे देंगे हम। यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब के वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।